निशा रानी ने बिग बॉस की एक चीज पकड़ ली है। फुकरा इंसान ने बोला कि तभी तो तुझे से ही सबसे पहले पूछता हूँ ऐसी चीजें। अब घर में टास्क चल रहा है और उसी दौरान ही टास्क के अकॉर्डिंगली जो है घर में अलग अलग जगह पर ऊपर से माइक जो है लटक के आ रहा है। इसके ऊपर ध्यान पड़ा फुकरा इंसान का, मनीषा का, सबका ध्यान पड़ा और बोलते कि अगर हम माइक उतार भी देना तो हमारी बातें फिर भी पहुंच जाएंगी। ये बिग बॉस ने तो क्या कर दिया। मनीषा बोलती ये तो मेरी स्क्रिप्ट में ही नहीं था बिग बॉस, ये तो आप बाहर से कोई चीज़ ले आए हैं। फिर उसके बाद जो चीज़ जिसका डिसीजन जो है फुकरा इंसान ने लिया है कि सबसे गंदी जुबान और गंदगी रख के जो है वो गेम खेली है, उसका दंड जो है, उसकी पनिशमेंट जो है बेबिका को दी है। तो आपको क्या लगता है ये पनिशमेंट सही है? क्योंकि यही क्वेश्चन जो है घर के सब कंटेस्टेंट से पूछते हुए फुकरा इंसान नजर आए। जहां पर सबसे पहले पूछा तो बेधड़क जो है नाम बोला मनीषा ने बेबिका। इससे पूछा एल्विश से, उसने भी बोला बेबी का। जिया से पूछा, जिया भी बोली बेबी का। अविनाश से पूछा तो अविनाश बोल ही नहीं पाए, बोलते कि मैं तो कैप्टन ही नहीं हूँ, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, मेरी नज़र में तो इसमें जिया भी है, जदादिद भी है, तू भी है, पर अगर लेना होता नाम तो घुमा फिरा के पूछते हो, जिया का ले लेता। तो ये घुमा फिरा के बातें पूछ रही है। तो मनीषा का कहना ये है कि अब हम लोग गेम के इस मंजर तक, इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि सबको सबका पता है, तो शुगर कोटिंग करना ये नहीं चाहिए। क्लियर विजन दिखाई देता है तो क्लियर बोलना चाहिए कि आखिरकार इसके अकॉर्डिंगली कौन है। ये तो हेल्दी कन्वर्सेशन है जो कि कर नहीं रहे हैं। तो मनीषा ने भी ये बात बोली है। अभी मनीषा रानी ने जो इस तरीके से बोला तो फुकरा इंसान ने बोल दिया कि यार यही तो बात है, इसलिए तो मैं तुझसे सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता हूँ। अब आप ये चीज बताइए कि क्या फुकरा इंसान को खुद के डिसीजन के ऊपर डाउट हो रहा है या वो मस्ती कर रही है सबके साथ क्वेश्चन पूछ पूछ के। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।